दोस्तों, अगर आपके हाथ में तेज धार वाला चाकू पकड़ा दिया जाए तो हो सकता है आप उस चाकू का इस्तेमाल करने में खुद ही अपने आप को घायल कर ले। कुछ ऐसा ही होता है पीएफ मेंबर्स के साथ। जब पीएफ मेंबर्स जो ऑप्शंस मिले हुए हैं एग्जिट डेट डालने के, उसके अंदर गलत रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म 19 रिजेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने जो एग्जिट का रीजन है वो रिटायरमेंट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि हमने क्या रीजन सेलेक्ट किया है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ मैनेज पे जाते हैं, मार्क एग्जिट पे जाते हैं, तो हमें यहाँ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहता है। जब हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ एग्जिट डेट डालने के लिए कह रहा है, साथ में ही कह रहा है कि आपने रीजन सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें रीजन्स नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे चार रीजन्स हैं, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, परमानेंट डिसेबलमेंट और सिसेशन शॉर्ट सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो यहाँ पे गलती से पहला वाला ऑप्शन जो होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा सिलेक्ट कर लेने से क्या होगा कि जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट में लिखा क्या है, रिजेक्ट में ये लिखा है कि भाई आपकी उम्र जो है 1977 के हिसाब से रिटायरमेंट की नहीं हुई है, तो आपने रिटायरमेंट रीजन कैसे डाला? तो ऐसा होने की वजह से, आपका रीजन गलत होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो आपके जो है ना लंबे चक्कर लगेंगे। तो अब करना क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, आपने ये अपडेट कर लिया खुद से, कंपनी को तरफ से आपने नहीं करवाया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। अब इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर में आपको यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब यहाँ अगर आपको सिर्फ रीजन बदलना है, अगर सिर्फ रीजन बदलना है, आपने एग्जिट डेट सही डाली है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, करेक्ट वाली जगह पे सारी चीज भरेंगे, जैसे अपना नाम, फादर नेम, पीएफ नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जॉइनिंग डेट, एग्जिट डेट, ये सब तो आप सारी करेक्ट भरेंगे। ठीक है, एक चीज समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है, इस पे जो फादर नेम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जब आप पीएफ के रिकॉर्ड में जा रहे हैं उसको ठीक करवाने के लिए, वो कैसे चेक करेंगे, देखो आप पहले अपने आधार कार्ड पैन कार्ड देख लेना और उसके बाद व्यू में जाना, और उसके बाद व्यू में जाके प्रोफाइल पे जाना, यहाँ आपका फादर नेम नजर आएगा। तो ये फादर नेम आपके पीएफ के रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर ये नहीं समझोगे ना, दो चार चक्कर तो आपके वैसे ही लग जाएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट क्या लेके आने हैं, क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ के अपने डॉक्यूमेंट बना लेना। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, मेन डॉक्यूमेंट तो अभी आना बाकी है, फॉर्म 5 और फॉर्म 10 होता है। 10 ध्यान रखना, फॉर्म 5 और फॉर्म 10, ये 10 सी नहीं है, ये 10 है। ठीक है, अब यहाँ जो 10 नंबर फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ रीजन ऑफ लिविंग लिखा है। अब ये रीजन ऑफ लिविंग के अंदर में जो मेन कहानी है वो यहाँ पे ठीक होगी। अभी आपने क्या लिखा हुआ है, अभी आपने लिखा हुआ है रिटायरमेंट, फिर आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको शॉर्ट सर्विस ऐसे लिख देना है, जो आपके पास एग्जिट का रीजन है वो यहाँ शॉर्ट सर्विस करके आपको चूज कर लेना है। फिर आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे, इसके साथ आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड लगाएंगे और पीएफ ऑफिस में जाके जमा करेंगे। अभी पीएफ ऑफिस वाला इसमें एक दिन, एक महीने में कर दे, दो महीने में कर दे, या फिर हो सकता है फिर कोई कमी निकाल दे कि आधार कार्ड पैन कार्ड में ये गलती है वो गलती है, तो फिर आपको चक्कर लगाना अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर आपका ये रीजन आ गया रिजेक्शन के लिए, तो फिर आप मान के चलो कि आपके एक महीने, दो महीने, तीन महीने तो खराब होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो इस चीज को सीख लीजिए कि भाई अगर ऐसा कोई रीजन आता है तो फिर आप उसको कैसे समझाओगे, और अगर आपका खुद का है तो भाई साहब गुड लक, चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाइए, कंपनी जाइए, पीएफ ऑफिस जाइए, और यहाँ पे यही चीज मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना हो, फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।